छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपी आज विशेष कोर्ट में पेश किए जाएंगे। आरोपी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लो जेल में बंद हैं। 14 दिन की रिमांड के बाद आज कोर्ट में वो पेश किए जाएंगे। युगल तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, किस वक्त होनी है पेशी? जी देखिए, बिल्कुल दोपहर बाद उन्हें कोर्ट में लाया जाएगा और जिस तरह से उन चीजों की गिरफ्तारी हुई है, अब न्यायिक रिमांड की जो अवधि है खत्म हो रही है, उसके बाद तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो निर्धारित ऐसा कोई समय तो तय नहीं था, लेकिन अमूमन दोपहर को ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। तो तीनों जो आरोपी हैं उन्हें कोर्ट के पेश किया जाएगा और ये शराब घोटाले मामले में ये जो आरोपी हैं अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और अरुण एपी त्रिपाठी, तो इन्हें जो पेश है वो किया जाएगा। जेल में ये तीनों बंद है। 14 दिन की न्यायिक रिमांड की अवधि है वो खत्म हुई है। लगभग 2,200 करोड़ के ये पूरा घोटाला था, स्कीम था, तो इसपे अब लगातार जांच की जा रही है कि और लिंक कहाँ कहाँ है, किस तरह से गड़बड़ियां बरती जाती थी, भांडी बरती जाती थी। तो फिलहाल इस मामले की प्रेशर से विवेचना भी की जा रही है और आज क्योंकि रिमांड की अवधि खत्म हो रही है तो कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भनपुर की दरवाजा फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग लगने से यहां अफरा तफरी मची हुई है। ये दरवाज़ा फैक्ट्री जहां पर आग लग गई, भनपुरी में ये दरवाज़ा फैक्ट्री है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। निगम के लोग आएंगे। यहाँ पे बीरगांव क्षेत्र में आग ये लगी हुई है। वुडन, एक्चुअली एक वुडन ये का था, स्टोर था। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सूखे लकड़ी की वजह से शायद आग लगी होगी और पूरा कोई रिहायशी एरिया वगैरह यहाँ पे नहीं है और सब कुछ सेफ है। अभी कुछ टाइम में हम लोग फायर स्टेशन और पूरा टीम आ गई है, जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है। पता नहीं है एक्चुअली सूखा लकड़ी की वजह से शायद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, कहीं पर कुछ ये होगा, उसका एक बार जाँच होने के बाद पता चलेगा। बिलासपुर में इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई। भीषण गर्मी के चलते स्कूटर में आग लगी। मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास ये आग लगी है। आग से लोगों में हड़कंप मचा है। लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर में यहाँ आग लग गई। गर्मी बहुत पड़ रही है, ऐसे में यहाँ पर माना जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में गर्मी के चलते ही आग लगी। ये बाहर खड़ी हुई थी और लोगों ने इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक स्कूटर को काफ़ी नुकसान पहुंच चुका था। बलरामपुर के सरकारी अस्पताल में दारू पार्टी का आयोजन किया गया। उप स्वास्थ्य केंद्र में पार्टी का ये वीडियो वायरल हो गया। उप स्वास्थ्य केंद्र मैखाना बना, दिन दहाड़े उप स्वास्थ्य केंद्र में पार्टी चल रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले में संज्ञान लिया है। जांच टीम बनाकर करवाई जा रही है जांच। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। पिछले दिनों उसमें अंतर्गत सुरंग दाग सब हेल्थ सेंटर में ये मीडिया के माध्यम से खबर प्रकाशित हुई थी कि इस संस्था में वहाँ के कर्मचारी द्वारा पार्टी, मुर्गा पार्टी वगैरह अरेंज करके कार्य किया जा रहा था, जिसके तहत हमने अपने स्तर पे भी वहाँ जांच टीम बैठाई है और साथ में एसडीएम सर के द्वारा भी वहाँ पे जांच की गई है, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोरिया से खबर है, जहां जिला अस्पताल में कॉकरोच से मरीज परेशान हैं। मेल वार्ड में बेड, टेबल और फर्श पर कॉकरोच घूम रहे हैं। मरीजों के साथ उनके परिवार वाले भी परेशान हो रहे हैं।
अस्पताल में गंदगी के कारण यहाँ पर कॉकरोच पनप रहे हैं। सीएमएचओ से जब पूछा गया तो सीएमएचओ का अजीब तर्क देखने को मिला कि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए सफाई बाद में करवाएंगे। नीमच